अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवेस अनवर है और ये सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट की है इंट्री टेस्ट प्रेप सीरीज़ के नाम से। और इसमें बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने एडमिशन लिया था किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन इंस्टीट्यूट चूँकि अभी बंद हो गए हैं, या वो स्टूडेंट्स के जो एडमिशन नहीं ले सके हैं और वो इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो मैं बायोलॉजी को कवर करूँगा। पहले हम ये करेंगे कि जो पास पेपर्स हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आंसर कौन सा है और उसका रीज़न क्या है, और जो गलत आंसर्स हैं वो क्यों गलत हैं और उन्हें क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो पहला पेपर जो है हमारे पास वो 2018 का सिंध का एम कैट का पेपर है। इसका ये बायोलॉजी सेक्शन है, तो इसे हमने एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करना है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द डिज़ीज़ कॉज बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी किसे कहते हैं। देखें, डेफिशिएंसी कहते हैं किसी चीज़ की कमी को। न्यूट्रिशनल का वर्ड न्यूट्रिएंट से निकला है। न्यूट्रिएंट हर वो चीज़ होती है कि जिससे आप दो में से कोई एक काम कर सकें, या तो आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें या तो आप उससे बॉडी को बिल्ड कर सकें। तो आपने अमाइनो एसिड का नाम सुना है, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना है, लिपिड्स का नाम सुना है, विटामिंस का नाम सुना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इनसे या तो बॉडी बनाई जा सकती है या इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी बीमारी है इनमें से जो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में हमें पता है कि हेपेटाइटिस कहते हैं लिवर की इन्फ्लेमेशन को, जिगर के अंदर सूजिश हो जाती है। और हेपेटाइटिस का जो आपकी बुक के अंदर रीज़न है वो है वायरस। हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से, जिसके तीन वायरस दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर फर्स्ट ईयर में, हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस। तो हेपेटाइटिस हमारा आंसर नहीं है। दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है कॉलरा। कॉलरा जो बीमारी है बेसिकली ये इंटेस्टाइन की बीमारी है जिसके अंदर डायरिया हो जाता है, और इसका जो कॉज है वो आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर भी और चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी फर्स्ट ईयर के। इसका कॉज होता है बैक्टीरिया जो स्क्रू की तरह दिखता है। इस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं विब्रियो कॉलरा का। तो इसका कॉज भी हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरी बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया सब जानते हैं कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म से होती है कि जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये चैप्टर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है कि जो मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम भी किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं हो रही है। ये तीनों बीमारियाँ जो हैं ये बेसिकली इन्फेक्शियस हैं। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक वायरस की वजह से हो रही है, एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एक प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है। चौथी ये बीमारी अगर आप देखें जिसका नाम है अल्जाइमर, यह आपको सेकेंड ईयर की बुक के अंदर पढ़ाई जाती है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो बूढ़ों में होती है, और इसके अंदर होता यह है कि इन्हें भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा होता है, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं, तो भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये भी किसी ना किसी चीज़ की, ये किसी की चीज़ की कमी की वजह से नहीं हो रही। एक्चुअली इसका कॉज साइंस को अभी तक पता नहीं है। तो जो आखिरी ऑप्शन रह गए हमारे पास वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक ऐसी बीमारी है जो वाइटामिन की कमी की वजह से होती है, और मैंने अभी बताया था कि वाइटामिन जो है वो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 13 खोलेंगे सेकेंड ईयर की बुक में, तो आपको एक चार्ट नज़र आएगा। मेरे पास वो चार्ट अभी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का चार्ट आपको नज़र आएगा कि जिसके अंदर विटामिन्स लिखे होंगे और उनके आगे उनसे उनकी कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो लिखी होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें विटामिन बी वन की जब डेफिशिएंसी होती है, जब कमी होती है, तो जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरीबेरी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रोमोजोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। तो सबसे पहली बात, क्रोमोजोम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास डीएनए होता है, लेकिन डीएनए अलग नहीं होता। डीएनए प्रोटीन के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं क्रोमोजोम का। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं इतना बताऊँ कि एक जो क्रोमोजोम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सेंटर में मौजूद होता है एक सर्कुलर सा एरिया,
और उससे निकलता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर और ये दूसरा इस तरह का स्ट्रक्चर। ये जो सेंटर वाला एरिया है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। ये सेंटर वाला एरिया कहलाता है सेंट्रोमेयर, और इससे जो दोनों तरफ निकलते हैं ये पार्ट्स, ये कहलाते हैं आर्म्स। ये एक आर्म है और ये भी दूसरा आर्म है। तो इन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स। वो क्रोमोसोम के जिसके दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है उस क्रोमोसोम को क्या नाम देते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपके पास चैप्टर 4 में ये क्लासिफिकेशन मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये हमारे पास पहला क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमेयर है और ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। यहाँ पर आपको अनइक्वल नजर आ रहे हैं लेकिन ये ऑलमोस्ट बराबर हैं, थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस है। तो ऐसा क्रोमोसोम के जिसके जिसका सेंट्रोमेयर दरमियान में हो और जिसके दोनों आर्म्स जो हैं वो लेंथ में तकरीबन बराबर हो, ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है मेटासेंड्रिक। इसके बरक्स ये वाला क्रोमोसोम अगर हम देखें तो ये सेंट्रोमेयर है, ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, दोनों की लेंथ बराबर नहीं है बल्कि कुछ हद तक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है सब मेटासेंड्रिक। तीसरा ये क्रोमोसोम हमें नजर आ रहा है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये एक आर्म है और ये इतना बड़ा सा दूसरा आर्म है। तो ये ऐसा क्रोमोसोम है कि जिसके दोनों आर्म्स में माइनर डिफरेंस नहीं है बल्कि बहुत मेजर डिफरेंस है, एक आर्म बहुत ही बड़ा है और दूसरा आर्म बहुत छोटा है, ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। और ये चौथा क्रोमोसोम है कि जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बीच में नहीं है बल्कि आखिर में मौजूद है और इसके पास दो आर्म के बजाय एक ही आर्म है बड़ा सा, ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो ये चार क्लासिफिकेशंस होती हैं क्रोमोसोम की। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें दोबारा, तो हमसे पूछा गया था कि क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स, ऐसा क्रोमोसोम के जिसके दोनों आर्म्स बराबर हों वो क्या कहलाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है मेटासेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क द वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कॉन्स्पिकस लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस का मेन मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो इजीली हमें नज़र आ जाए, जो क्लियरली नज़र आ जाए या जो अलग अलग हमें नज़र आए। अच्छा, अब ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन उठाई गई है आपकी बुक से। अगर आप बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 खोलेंगे फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, तो वहाँ पर पहले ही पेज के ऊपर जो पहली ही लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि दिस किंगडम हैज़ द मोस्ट कॉन्स्पिकस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया होता है उसके जो एनिमल्स हैं उन्हें कहा जाता है मोस्ट कॉन्स्पिकस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्लियरली हमें नज़र आते हैं, जिनके लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जिनमें डिफरेंस करना जो है वो बहुत आसान होता है। लाइक अगर आप प्लांट्स देखें तो ज़्यादातर प्लांट्स तकरीबन एक ही जैसे नज़र आते हैं, लेकिन एनिमल्स को अगर आप देखें तो एनिमल्स, एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल से टोटली डिफरेंट नज़र आता है। तो किंगडम एनिमेलिया वो किंगडम है कि जिसके अंदर मोस्ट कॉन्स्पिकस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो मौजूद है उसके अंदर एक टर्म लिखी होती है टैक्सोनॉमी, यहाँ पर भी मौजूद है। टैक्सोनॉमी बेसिकली वो ब्रांच है बायोलॉजी की, या वो ब्रांच है साइंस की कि जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी स्टडी में आसानी के लिए, उनको समझने के लिए, बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, हम ये करते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज़म को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो जो 5 बड़े ग्रुप्स बनते हैं उन्हें हमने नाम दिया है किंगडम्स का। तो आप किंगडम एनिमेलिया सुनते हैं, किंगडम प्लांटिस सुनते हैं, किंगडम प्रोकैरियोट्स सुनते हैं। ये जो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, पहले किंगडम आता है, फिर उसको फाइलम में डिवाइड करते हैं, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है। तो ये जो ग्रुप्स में आप डिवाइड करते जा रहे हैं इसकी पूरी एक स्टडी है, ये ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। इसके बरक्स बाकी के 4 ऑप्शन क्यों नहीं है हमारे पास, तो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बेसिकली वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम डील करते हैं डीएनए को, जीन्स को, और जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो पास होते हैं उनको स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स के अंदर। दूसरा जो ऑप्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है आर्कियोलॉजी,
ये जो आर्कियोलॉजी है ये बेसिकली स्टडी करती है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, यानी जब से इंसान बने हैं तब से लेकर आज तक ह्यूमन कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते आए हैं और उसके लिए क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करते आए हैं, ये स्टडी किया जाता है आर्कियोलॉजी के अंदर। तो आप देखते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम सुना आपने, मोहनजोदड़ो एक पूरी सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ से हमें जो मटेरियल मिला है उससे हम ये स्टडी करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, तो ये आर्कियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। एक और ब्रांच जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो है पेलियोन्टॉलोजी। पेलियोन्टॉलोजी तो आप नाइन्थ में पढ़ कर आए हैं। पेलियोन्टॉलोजी एक ऐसी ब्रांच होती है कि जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि आज ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनका बचा कुचा हमें किसी पत्थर में से, किसी पहाड़ के अंदर से या ज़मीन के किसी टुकड़े के अंदर से मिलता है। जैसे कि डायनासोर्स, डायनासोर्स आज मौजूद नहीं है, लेकिन डायनासोर्स की जो बोन्स हैं वो हमें मिलती हैं, तो इससे हमें उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलती है। तो ये पेलियोन्टॉलोजी के अंदर स्टडी किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जो बेसिकली डील करती है विद दी केमिकल्स जो एसोसिएटेड होते हैं लाइफ के साथ। वो तमाम मॉलिक्यूल्स, वो तमाम कंपाउंड्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हें स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आपका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर, जिसमें आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाटर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वो केमिकल्स हैं जो कि लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ज़रा, द डिज़ीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रोटोजोआ किसे कहते हैं। हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी, इसमें आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा एक और किंगडम है हमारे पास जिसका नाम है किंगडम फंजाई, जिसके अंदर सारे फंगस आते हैं। तीसरा एक किंगडम है जिसका नाम है किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं। और चौथा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इन चारों के अलावा एक अदद किंगडम ऐसा है कि जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो इन चार में ना आ सके, उस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, या प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा इसे कहते हैं। अब इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक वो जो प्लांट की तरह थे लेकिन प्लांट से निकाल दिए गए, एक वो जो फंगस की तरह थे लेकिन फंजाई के साथ नहीं रखे गए, और एक वो जो एनिमल्स की तरह थे लेकिन अब एनिमल के साथ नहीं रखे जाते। तो वो जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल के साथ रखे गए थे पहले लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोआ। तो ये बेसिकली एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इन्हें एनिमल्स के साथ नहीं रखा जाता क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, जबकि सारे एनिमल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि वो बीमारी बता दें जो किसी प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। तो पहली बीमारी हम देखें, रिकेट्स। अब ये जो रिकेट्स है ये बेसिकली बच्चों के अंदर वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बच्चों की जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और सॉफ्ट होने की वजह से वो मुड़ जाती हैं, और उसका रीज़न क्या होता है, बच्चों के अंदर वाइटमिन डी की कमी की वजह से होता है। तो रिकेट्स जो है वो किसी प्रोटोजोआ की वजह से नहीं हो रहा, ये वाइटमिन डी की कमी की वजह से होता है। दूसरी बीमारी है गोइटर। गोइटर आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। गोइटर के अंदर होता क्या है, जो भी पेशेंट होता है उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, गर्दन के अंदर एक अदद ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। जब पेशेंट के पास आयोडीन की कमी होती है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो गोइटर का जो रीज़न है वो है आयोडीन की कमी। तीसरी जो बीमारी यहाँ पर दी गई है इसका नाम है बेरीबेरी। बेरीबेरी हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि ये किस चीज़ की कमी की वजह से होती है, ये वाइटमिन की कमी की वजह से होती है, वाइटमिन बी की कमी की वजह से। तो इसका जो कॉज है वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। चौथी बीमारी जो यहाँ पर दी गई है उसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बूढ़ों के अंदर होती है, कि उनके अंदर जो ब्रेन है वो डैमेज होता है, कुछ बूढ़ों के अंदर, हर किसी में नहीं होती। साइंस को अभी तक इसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता। तो कुछ बूढ़ों के अंदर ये होता है कि उनके ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी को। तो ये चार जो हैं हमारे आंसर्स नहीं हैं। लास्ट जो ऑप्शन बच गया हमारे पास वो है मलेरिया। मलेरिया राइट आंसर है क्योंकि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको रखा गया है एक कैटेगरी के अंदर। उस कैटेगरी का नाम है स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिस क्लास से बिलोंग करता है,
उस क्लास का नाम है स्पोरोजोआ, यह आपको चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के। और जो स्पोरोजोआ है वो बेसिकली बिलोंग करती है प्रोटोजोआ से। ये प्लाज्मोडियम की डायग्राम है। ये यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल लाइक है, बट स्टिल ये एनिमल नहीं है, इसे अलग रखा गया है जिस फाइलम में, उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्पोरोजोआ, उसमें इसे रखा गया है। ये प्लाज्मोडियम है जो बेसिकली कॉज करता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है अमाइनो एसिड का, या चेन होती है अमाइनो एसिड की। जिस तरह आप ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन के अंदर बेसिकली बहुत सारे डब्बे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रोटीन है उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की लंबी सी चेन होती है, उस चेन को हम नाम देते हैं प्रोटीन का। अभी जो प्रोटीन है इसके 4 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मैं ज़रा दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें डायग्राम, तो ये पहली डायग्राम है कि जिसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये अमाइनो एसिड हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक सीधी सी चेन बनी हुई है, कुछ इस तरह की चेन बनी हुई है। ये चेन कहलाती है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर इसी चेन के अंदर, इसी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर कुछ बल आ जाए, कुछ फोल्ड्स आ जाए, किसी जगह से ये कर्व हो जाए, किसी जगह से ये ट्विस्ट हो जाए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लोकल फोल्डिंग। तीसरा स्ट्रक्चर वो होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग आ जाए, ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाए। ये अगर आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और एक उसके पीछे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक चेन थी जो बहुत ज़्यादा फोल्ड हो गई है, अब ये स्ट्रक्चर कहलाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अगर एक से ज़्यादा चेन, अभी तक हम एक चेन की बात कर रहे थे, अगर एक चेन सीधी है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर ये इस तरह से फोल्ड हो गई है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर ये इस तरह से फोल्ड हो गई है 3D तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब हम एक चेन की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन। तो जब भी आपने सुना कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पहले ही आपको हिंट दे दी कितनी चेन्स की बात कर रहे हैं, ये 2 अल्फा और 2 बीटा, इसका मतलब टोटल कितनी चेन्स हो गई, 4। तो प्राइमरी नहीं हो सकता, सेकेंडरी नहीं हो सकता, टर्शरी नहीं हो सकता, आंसर है आपका क्वार्टरनरी। दूसरी बात, यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी दी गई है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 2 प्रोटीन की चेन्स हैं ब्लू में, इन्हें बीटा चेन्स कहा गया है, और 2 प्रोटीन की चेन्स हैं ग्रीन में, इन्हें कहा गया है अल्फा चेन्स। तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसके अंदर 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं, 2 को हम अल्फा कहते हैं और 2 को बीटा कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको फर्स्ट ईयर की बुक में सेकंड चैप्टर में मिल जाएगी, अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके अंदर डिफरेंट तरह की चेन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है अल्फा चेन्स हैं और बीटा चेन्स हैं, तो इस तरह का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है हीट्रोजेनस का मतलब डिफरेंट। यहाँ पर अगर सारी चेन्स अल्फा होती तो हम इसे नाम देते होमोजेनस का। तो ये भी याद रखें कि ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये क्वार्टरनरी तो है, लेकिन क्वार्टरनरी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम होमोजेनस कहते हैं और एक को हम हीट्रोजेनस कहते हैं। तो ये बिलोंग करता है हीट्रोजेनस वाली कैटेगरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेजेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हो बैक्टीरिया से रिलेटेड फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसे। अगर आप किसी बैक्टीरिया को उठाकर एक डिश के अंदर रख दें जिसके अंदर उसकी बैक्टीरिया के लिए खाने पीने की तमाम चीज़ें मौजूद हो, तो आप देखेंगे कुछ वक्त तक जितने बैक्टीरिया आपने रखे हैं उतने ही रहेंगे, उनके नंबर में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो वक्त है, जितना भी वक्त है, जितनी भी ड्यूरेशन होती है कि जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता, यानी अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं करता, ये जो फेज़ है ग्रोथ का, ये कहलाता है
लैग फेज। अब आप कहेंगे कि अगर इसके अंदर बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो इसे ग्रोथ फेज़ क्यों कह रहे हैं? तो बेसिकली इस वक्त में बैक्टीरिया अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीज़न के लिए, अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए वो तमाम चीज़ें बना रहा होता है जो कि उसे रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं लैग फेज़। लैग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता नंबर, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से। यानी अगर आपने एक बैक्टीरिया रखा है तो वो फौरन दो, फिर चार, फिर आठ, बहुत तेज़ी से नंबर बैक्टीरिया का जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये फेज़ कहलाता है लॉग फेज़। यहाँ पर देखें, इन्होंने ग्राफ से समझाया हुआ है कि बैक्टीरिया का नंबर सेम रहा, फिर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये फेज़ जिसके अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आता है, ये कहलाता है लॉग फेज़। इसके बाद आप देखते हैं कि जितने बैक्टीरिया नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया पुराने मर भी रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि नंबर जो है ये कांस्टेंट हो गया है। ये बिल्कुल उस जोक की तरह है, आपने सुना होगा कि लोग एक जोक क्रैक करते हैं कि एक फैमिली है कि जिसके अंदर 6 लोग थे, तो एक नया बच्चा पैदा हो गया तो 7 हो गए, फिर नाना या नानी की मौत हो गई तो दोबारा से 6 हो गए। तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टेशनरी फेज़ वो वक्त होता है कि जिसमें जितने बैक्टीरिया नए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया पुराने मर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद चौथा ग्रोथ का फेज़ है जिसे हम डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़ कहते हैं। ये कैसे पता लगता है? तो इसके अंदर भाई नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो मौत जिनकी हो रही होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसी इन्हीं चार फेजेस को यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहला फेज़ है देखें जिसके अंदर आपको बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जितने हैं उतने ही हैं। उसके बाद अगले फेज़ के अंदर देखें तो ये रंग चेंज होना शुरू हो गया, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो नीचे दिखाया गया है ये बेसिकली डेथ है। तो आप देखें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत थोड़ा सा अमाउंट है बैक्टीरिया का जो मर रहे हैं। ये लॉग फेज़ कहलाता है जिसके अंदर बहुत तेज़ी से नंबर इंक्रीज़ होता है। इसके बाद तीसरा फेज़ देखें स्टेशनरी फेज़। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं तकरीबन उतने ही बैक्टीरिया मर भी रहे हैं, तो इनका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है। चौथा फेज़ है डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़। इसके अंदर देखें ये डार्क एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं तो मरने वालों की तादाद जो है वो प्रोड्यूस होने वाले की तादाद से ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रोथ फेजेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। किस फेज़ के अंदर बहुत तेज़ी से नंबर इंक्रीज़ होता है? तो वो हमारे पास लॉग फेज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीजेस। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी कॉजिंग डिजीज, क्योंकि पैथोजन होता ही वही है जो डिजीज़ कॉज करे। आपके वो तमाम बैक्टीरिया, वो वायरसेस, वो फंगस या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि आप वो पैथोजन बता दें इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं फंगस के बारे में तो आपको पता होगा कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिंपल नहीं होते। फंगस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो फंगस हमारा आंसर नहीं है, हमें सिंपलेस्ट ढूंढना है। एक और यहाँ पर दिया हुआ है अमीबा। अमीबा हमें पता है बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर होता है, तो ये सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें देखना पड़ेगा कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। तो फंगस जो हैं ये यूजुअली होते हैं मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर है तो जाहिर सी बात है बॉडी बड़ी है तो ये सिंपल नहीं है। अमीबा जो है वो बेसिकली है यूनिसेलुलर, तो ये सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वायरसेस। वायरसेस बहुत सिंपल होते हैं, वायरसेस तो सेल भी नहीं होता, ये ए सेलुलर होते हैं या नॉन सेलुलर होते हैं। इनके अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक प्रोटीन और दूसरी चीज़ जो होती है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जैसे आप कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो या तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें सिंपल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो वायरसेस ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरसेस भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चौथा ऑप्शन जो दिया है वो सही ऑप्शन है आपका, जिन्हें हम कहते हैं प्रियॉन्स। अच्छा, प्रियॉन्स बेसिकली कहते किसे हैं? प्रियॉन्स कहते हैं एक ऐसी प्रोटीन को जो गलत फोल्ड हो गई, मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम नाम देते हैं प्रियॉन का। तो अब आप देखें वायरस के अंदर प्रोटीन भी है और डीएनए और आरएनए भी है, जबकि प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद होती है। तो इन चार ऑप्शंस के अंदर ये सबसे सिंपलेस्ट हैं जो बीमारी कॉज कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। प्रियॉन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो बीमारी कॉज कर सकती हैं,
दो बीमारियां हैं जो बुक के अंदर दी गई हैं जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं, एक का नाम है मैड काउ डिजीज़ और दूसरी का नाम है स्क्रेपी। ये शीप के अंदर होते हैं, ठीक है। दोनों बीमारियां जो हैं ये एनिमल के अंदर दी गई हैं, लेकिन प्रियॉन्स इंसानों के अंदर भी बीमारी कॉज करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर प्रियॉन्स नहीं होता, अगर यहाँ पर सिर्फ तीन ऑप्शन होते, वायरसेस, फंगस और अमीबा, तो आपका ऑप्शन होता वायरसेस। अगर वायरसेस भी ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर होता अमीबा। अच्छा, इन केस अगर इन चारों में प्रियॉन्स नहीं होता और इसकी जगह वो देते वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, तो आंसर क्या होता? तो आपका आंसर वायरॉइड्स होता। लेकिन जिस तरह प्रियॉन्स बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, खाली प्रोटीन है, बिल्कुल इसी तरह वायरॉइड ये वायरस से भी बहुत छोटा होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जो बीमारी कॉज कर सकता है। यूजुअली प्लांट्स के अंदर बीमारी कॉज करते हैं। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं प्रियॉन, ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, ये इसकी फोल्डिंग है, ये नॉर्मल फोल्डिंग है। ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखें रेड वाला, अगर ये गलत तरीके से फोल्ड हो जाए, अगर ये गलत तरीके से फोल्ड हो जाए तो ये वाली प्रोटीन, यही प्रोटीन जो नॉर्मल थी, अब ये कहलाएगी डिजीज़, या इसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। तो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये जमा हो जाती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और ये कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करती हैं, एनिमल्स के अंदर भी कॉज करते हैं और ये इंसानों के अंदर भी बीमारियाँ कॉज करती हैं। प्रियॉन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इस तरह की कोई प्रोटीन, ये जो डिजीज़ प्रोटीन है, ये अगर नॉर्मल प्रोटीन के साथ इन टच आएगी तो ये उसे अपने जैसा बना लेगी। वो मुहावरा है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो प्रियॉन को देखकर जो नॉर्मल प्रोटीन है वो भी प्रियॉन की जैसी हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ ये अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2018 का पेपर ही चल रहा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वो बीमारी बतानी है जो वायरस से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इन पांच में से चार बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से होती हैं और एक बीमारी है जो वायरस से नहीं होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं एड्स। एड्स तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक वायरस से ही होता है जिसका नाम है HIV। तो एड्स हमारा ऑप्शन नहीं है, एड्स वायरल डिजीज़ है। एक और बीमारी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू को कहते हैं और ये वायरसेस से भी होती हैं और ये बैक्टीरिया से भी होती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो मेनली इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली यहाँ पर ये वायरस से होता है। ये फ्लू वायरसेस मौजूद हैं जो कि इन्फ्लुएंजा करवाते हैं। तीसरी जो, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो तकरीबन हर इंसान को ही होते हैं, बचपन में दाने निकलते हैं बॉडी के ऊपर, ये जो चिकन पॉक्स है ये भी एक वायरस से होता है। इस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। चौथी बीमारी है रेबीज़। रेबीज़ भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेबीज़ भी ये होती कुत्ते के काटने से है, डॉग बाइट से है, या दूसरे एनिमल के बाइट से या स्क्रैच से होती है। तो उन एनिमल से हमारी बॉडी में वायरस ट्रांसफ़र होता है, ये वायरसेस कहलाते हैं रैबडोवायरसेस। ये वायरसेस कहलाते हैं रैपडो वायरस। तो ये चारों बीमारियां ऐसी हैं जो किसी ना किसी वायरस से हो रही हैं। लास्ट ऑप्शन जो बच गया वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम जानते हैं कि मलेरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो है ये वायरल डिजीज़ नहीं है। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, तमाम वायरल डिजीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 5 खोलेंगे, या अगर आप खोलेंगे सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 13, तो उसके एंड में एक चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर वायरल डिजीज़ भी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं, और वहाँ पर और भी कुछ डिजीज़ हैं, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। देखें, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दो ऐसे एंजाइम हैं जो आपको सलाइवा में मिल जाते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ये वाला, और एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जो कि आपको सलाइवा के अंदर, ह्यूमन सलाइवा के अंदर मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं किया, क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा कि वो एंजाइम जो सलाइवा में पाया जाता है, लेकिन उसका काम क्या है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखें, जो लाइसोजाइम है ना, इसका
कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कोई काम नहीं होता, इसका मेन काम होता है ये फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया मुंह के अंदर आ जाते हैं ये उन्हें डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो ये उन्हें किल करता है। तो लाइसोजाइम का काम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड नहीं है, तो लाइसोजाइम हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है बेसिकली वो है अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट को, जिसका नाम है स्टार्च, ये उसे तोड़ता है एक और तरह के कार्बोहाइड्रेट में जिसका नाम है माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है अमाइलेज, और ये सलाइवा के अंदर भी पाया जाता है और ये दूसरे ऑर्गन के अंदर भी होता है जिसका नाम है पेनक्रियास। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सलाइवा के अंदर अमाइलेज मौजूद होता है। बाकी के तीन ऑप्शंस क्यों नहीं है हमारे आंसर्स? तो भाई पेप्सिन, पहली बात तो ये सलाइवा के अंदर होता ही नहीं है, ये होता है स्टमक के अंदर, और पेप्सिन का जो टारगेट होता है वो बेसिकली होती हैं प्रोटीन्स। पेप्सिन जो है वो किसको तोड़ता है? प्रोटीन्स को। पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट पे वर्क नहीं करता। चौथा ऑप्शन ट्रिप्सिनोजिन क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन जो है ये आता है पेनक्रियास से, पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये उसके अंदर पाया जाता है और इसका टारगेट भी होती हैं प्रोटीन्स। पांचवा एंजाइम है हमारे पास जिसका नाम है लाइपेज। अभी जो लाइपेज है ये आता है अगेन पेनक्रियास से और इसका जो टारगेट है वो है लिपिड्स। इसका टारगेट जो है वो है लिपिड्स। दैट इज़ वाई आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अमाइलेज, और यही वो एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिजन? बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म या वो कौन सा पार्टिकल है जो अपना नंबर इंक्रीज करता है फिजन के जरिए। देखिए फिजन जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं दिखाता हूँ, ये फिजन की डायग्राम है, ये एक सेल आपको नज़र आ रहा है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। अच्छा, जब भी सेल फिजन करना चाहता है तो वो पहले क्या करता है, अपने अंदर का जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है उसकी कॉपी बनाता है। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि एक सेल था, अभी भी वो एक ही सेल है लेकिन उसके अंदर डीएनए दो हो गए। जब दो डीएनए बन जाते हैं तो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो दोनों तरफ से अंदर आना शुरू कर देती है। जब वो दोनों तरफ से अंदर आना शुरू करती है तो एक वक्त आता है कि ये बीच में आकर फ्यूज़ हो जाती है। जब ये फ्यूज़ हो जाती है तो एक सेल इस तरफ बन गया और एक सेल इस तरफ बन गया, इस तरह से ये दो सेल बन जाते हैं। ये तरीका कहलाता है फिजन का। अब देखिए यहीं पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा कि ये किस में हो रहा है, ये सेल में हो रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर वाले दो ऑप्शन देखें, वायरसेस ये नॉन सेलुलर होते हैं, इसमें सेल नहीं होता, तो जब सेल ही नहीं है तो फिजन नहीं कर सकता, तो ये आपका आंसर नहीं है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स तो वायरस से भी छोटे होते हैं, ये तो होता ही सिर्फ आरएनए है, तो इसमें भी सेल नहीं है, इसमें भी सेल नहीं था, इसमें भी सेल नहीं है, तो ये दोनों फिजन कर ही नहीं सकते। अब आ जाएं बाकी के दो ऑप्शंस के ऊपर। इसमें फंगस आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि फंगस बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगस जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये वाला तरीका जो है ये वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब आप कहेंगे कि सारे फंगस तो मल्टीसेलुलर नहीं होते, एक फंगस ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है जिन्हें हम कहते हैं यीस्ट, तो यस, लेकिन हम अभी जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो खाली यीस्ट अगर लिखा होता तो हम कह सकते थे क्योंकि यीस्ट के अंदर भी फिजन होता है, लेकिन बाकी के जो फंगस हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और वो इस तरीके से डिवीजन नहीं करते। तो आखिरी जो ऑप्शन आपके पास बच गया यही आपके पास करेक्ट आंसर है, जो बैक्टीरिया है। अगर आप चैप्टर नंबर 6 खोलेंगे तो वहाँ पर ये पूरा टॉपिक है। बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके का फिजन होता है, एक फिजन वो होता है कि जिसमें बैक्टीरिया एक से दो में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जिसकी डायग्राम अभी आपने देखी। और अगर यही बैक्टीरिया दो के बजाय तीन में या तीन के बजाय चार में टूट जाता तो हम इस फिजन को कहते मल्टीपल फिजन। तो फिजन वो तरीका है जो यूजुअली बैक्टीरिया में होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, तो अमीबा भी फिजन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, बस सिंपल सी बात है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बचपन से आप शायद ये पढ़ते हुए आए होंगे कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकता है, जो सिंपल रॉ मटेरियल लेकर अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। कौन आता है ऑटोट्रॉफ के अंदर?
आपके सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक और प्लांट की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्जी, तो ये एल्जी आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स आ जाते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या कीमोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अगर एक ऐसा एनिमल है जो खाना नहीं बना सकता तो वो कहलाएगा हीटरोट्रॉफ। ठीक है, एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो हीटरोट्रॉफ होते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, या तो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, तो हम हीटरोट्रॉफ कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, हीटरोट्रॉफ के अंदर ना तीन तरह के कंज्यूमर होते हैं। यानी हम हीटरोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, हम किसी और को खा रहे हैं, तो हम क्या खा रहे हैं उसकी बेसिस पर हमें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कंज्यूमर वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो प्लांट्स खाते हैं, लाइक गाय है, तो गाय जो है वो प्लांट्स खाती है, घास खाती है, तो उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। एक वो कंज्यूमर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जो गाय है वो घास खा रही है, गाय को जो खाएगा, लाइक हम जो है वो गाय को खाते हैं, तो हम जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। या शेर है, अगर वो गाय का शिकार करता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद आता है एक टर्शरी कंज्यूमर। अब जब शेर जो है कोई भी ऐसा एनिमल जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है वो कहलाता है टर्शरी कंज्यूमर। तो फॉर एग्जांपल शेर का शिकार कोई और एनिमल अगर कर जाए तो वो टर्शरी कंज्यूमर बन जाएगा। अब जब टर्शरी कंज्यूमर मरता है, टर्शरी कंज्यूमर को कोई और नहीं खाता, जब टर्शरी कंज्यूमर मरता है तो उसकी बॉडी को तोड़ने के लिए आते हैं ये ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है फंगस। ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज होती हैं उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह की एक और कैटेगरी होती है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे या डेड मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे नहीं हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, वो कौन सी टेक्निक है जो क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखें, सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है उसका नाम है क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग जो है ना ये एक ऐसा मेथड है, पहली बात तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्लोनिंग का मतलब होता है टू कॉपी। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ों की कॉपी बनाई जाती है। आप जानते हैं कि सबसे पहला जो एनिमल क्लोन किया गया था उसका नाम डॉली था, ये एक शीप है, और उसके बाद से अब तक बहुत सारे एनिमल्स को क्लोन किया गया है। तो क्लोनिंग जो है उसका मतलब सिर्फ कॉपी बनाना होता है, इसका कोई ताल्लुक क्रिमिनल्स को पकड़ने के साथ नहीं है। एक ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। अभी जो रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये है रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस, ये भी हमारा आंसर नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ये ऑप्शन है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होना, तो ये भी कोई प्रोसेस नहीं है। एक और प्रोसेस है जीन सीक्वेंसिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जीन कहते हैं क्रोमोसोम के एक पार्ट को, और जीन जो है वो क्रोमोसोम या जीन जो है वो बनी होती है डीएनए से। तो जीन सीक्वेंसिंग के अंदर करते क्या है, डीएनए को खोलते हैं और उसे स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। तो जीन सीक्वेंसिंग का काम बेसिकली डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए होता है, क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता। वो प्रोसेस जो क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली कोई भी फॉर एग्जांपल क्राइम सीन है तो वहाँ से जो क्रिमिनल होता है उसका या तो ब्लड मिल जाता है, या तो बाल मिल जाता है, या खाल मिल जाती है, या नाखून मिल जाता है, तो उसमें से करते क्या है, डीएनए निकालते हैं और उस डीएनए को एज अ फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिस तरह से एक इंसान का जो हाथों का प्रिंट होता है, फिंगर्स का जो प्रिंट होता है, वो दूसरे इंसान से मैच नहीं करता, बिल्कुल इसी तरीके से हर इंसान के डीएनए के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बाकी इंसान से मुख्तलिफ होते हैं, तो उसी डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग के तौर पर। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया है, डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है, बट मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब मैं ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा अलग से तो उसमें डायग्राम अच्छी होगी। ये पहला स्टेप है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल के अंदर से ये डीएनए को निकाला, इस डीएनए के ऊपर कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए के टुकड़े कर देते हैं। इन डीएनए के टुकड़ों को रखा जाता है एक प्लेट के ऊपर,
वहाँ पर एक प्रोसेस किया जाता है जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्या है, डीएनए के जो टुकड़े हुए हैं उन्हें एक प्लेट पर रखते हैं जिसमें जेल लगा हुआ होता है, फिर एक चार्ज देते हैं बैटरी के साथ या सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डीएनए के टुकड़े मूव करना शुरू करते हैं। अब जब डीएनए के टुकड़े मूव करते हैं, जो छोटा वाला पीस होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो उससे बड़ा पीस होता है वो उसके नीचे, और जो उससे बड़ा है वो उसके नीचे, तो आपके पास डीएनए के टुकड़ों का एक बैंड बन जाता है, एक सीरीज़ बन जाती है। ये पूरा जो है ये किसी भी शख्स का एक डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये पेरेंटल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के भी काम आता है। फॉर एग्जांपल दो कपल्स आ जाएं और वो कहें कि ये जो बच्चा है ये हमारा है, तो इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से जो है ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा बच्चों के साथ, बट ये सिमिलर होगा पेरेंट्स के साथ, कुछ हद तक मैच कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसमें से तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर आती हैं, और कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो इम्यून सिस्टम के अंदर नहीं आती। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फेगोसाइट, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। फेगोसाइट एक ऐसा सेल है जो खा जाता है, क्या खा जाता है, बैक्टीरिया खा जाता है, खराब मटीरियल खा जाता है। दो तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर, जिन्हें हम फेगोसाइट कहते हैं। एक है न्यूट्रोफिल्स, एक सेल है जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, इनका काम होता है बैक्टीरिया को खा जाना। मुझे लिखने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये माउस से लिख रहा हूँ, मेरे पास वो पेन टाइप नहीं है, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। न्यूट्रोफिल्स, और दूसरे हैं हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं फेगोसाइट। फेगोसाइट वो सेल है जो बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है, तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो मिलकर काम करती हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो है ये होल्स प्रोड्यूस कर देती हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास साइटोकाइंस, यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है यहाँ पर। उसका रीज़न क्या है, जिस तरह हमारे पास बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिनका काम होता है एक जगह का मैसेज दूसरी जगह को देना, बिल्कुल उसी तरीके से इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन के तौर पर बिहेव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस। तो ये तीनों चीज़ें ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास ये राइट आंसर है, यानी ये इम्यून सिस्टम के अंदर नहीं आता। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसके अंदर आपकी जो आर्टरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है तो इसके अंदर कुछ मटेरियल जमा हो जाता है, जब ये मटेरियल जमा हो जाता है तो आपकी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती है, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम हो जाता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये चूँकि एक बीमारी है और इसका इम्यून सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है। मैं अगर दिखा सकूँ, ये हमारे पास एक आर्टरी है, ये हमारे पास एक पूरी आर्टरी है, और ये इतना बड़ा सा जो है इसके अंदर ये मटेरियल जमा हो गया है जिसकी वजह से ये आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो रही है, ये नैरो हो गई है, तो ब्लड फ्लो जो है ये इतना सा रह गया है, तो ये बीमारी है। ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 14 में हार्ट का जो टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनकोडेड एज, हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो है वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इन्होंने पूछा है कि वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से उसमें मौजूद होती है। तो देखें, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए है क्या। डीएनए बना होता है बहुत छोटे छोटे यूनिट से जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा डीएनए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है, ये पीसेस जो हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे हमारा डीएनए बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली जो डीएनए है वो छोटे 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 यूनिट से बनता है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जिस तरीके से आपकी एक दीवार है वो ईंटों से बनी होती है, हमने देखा था प्रोटीन्स जो हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे यूनिट से जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड, बिल्कुल इसी तरह डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो बेसिकली डीएनए के अंदर लाइन से लगे हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर मौजूद होती है वो किस चीज़ का सीक्वेंस होगी, वो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा, अब देखें डीएनए जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक चीज़ है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी चीज़ है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप PO4,
और तीसरी चीज़ होती है नाइट्रोजेनस बेस। ये तीन चीज़ें जब मिलती है, मैं अगर बनाकर दिखा सकूँ एक न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पर होता है पांचवा, यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर लगा होता है एक अदद PO4 फॉस्फेट, और इसके कार्बन नंबर 1 पर लगा होता है N फॉर नाइट्रोजेनस बेस। ये एक मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का, इसके ऊपर एक और लगा हुआ होगा, इसके नीचे एक और लगा होगा, और इस तरह से एक पूरी चेन बन जाएगी। और इसी तरह की एक चेन यहाँ पर होगी, एक चेन इसी तरह की यहाँ पर होगी, और ये दोनों चेन मिलकर बनाएंगी DNA। अच्छा, अब देखें, ये जो फॉस्फेट है और ये जो पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये पूरे DNA में सेम होगा, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड में भी और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में भी, सारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये सेम होगा। तो वो क्या चीज़ है जो डिफरेंट हो रही है, वो है न्यूक्लियोटाइड। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं DNA के अंदर, एक को हम कहते हैं एडिनिन, एक को हम कहते हैं गुआनिन, एक को हम कहते हैं साइटोसिन, और एक को हम कहते हैं थायमिन। तो DNA के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये 4 तरह के, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। DNA, पूरे DNA के अंदर पेंटोज शुगर सेम है, पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर सेम है, फॉस्फेट ग्रुप भी सेम है। क्या चीज़ चेंज हो रही है, नाइट्रोजेनस बेस। तो मैं कह सकता हूँ कि DNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली सीक्वेंस होगा किसका, नाइट्रोजेनस बेस का। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये जो D है ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं हो रही तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो होता ही नहीं है DNA के अंदर, ये राइबोस शुगर RNA में पाई जाती है, ये चीज़ भी चेंज नहीं हो रही, और फॉस्फेट ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉस्फेट ग्रुप सेम है। तो ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन का, बेसिकली इसमें छुपी हुई होती है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन को आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट एक ऐसा एनिमल होता है कि जिसके पास मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो। इंसानों के अंदर हमें पता है कि एक बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है, अगर मेल है तो उसके पास टेस्टिस मौजूद होंगे, अगर फीमेल है तो उसके पास ओवरीज मौजूद होंगी। तो इंसान हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है हमारा, ओवीपैरस। ओवीपैरस वो तमाम एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन। चिकन जो है उसे हम ओवीपैरस कहते हैं क्योंकि वो एग्स ले करती है, तो इंसान जो है वो एग्स ले नहीं करते। तीसरा ऑप्शन है सेल्फ फर्टिलाइज, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंसान अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, यानी एक ही इंसान काफ़ी नहीं होता बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए, हमें 2 इंसान चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि ये क्यों चाहिए, क्योंकि इंसान हर्मेफ्रोडाइट नहीं होता, अगर इंसान हर्मेफ्रोडाइट होता तो उसमें ये एबिलिटी होती कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता। तो इंसान इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो वीवी पैरस है ये हमारा राइट ऑप्शन है। वीवी पैरस एक ऐसा एनिमल होता है कि जो बेबीज प्रोड्यूस करता है, हमें पता है इंसान जो है वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑप्शन, ये आंसर जो है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। पैथोजन मैंने पहले भी बताया था, हर वो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी पहुंचा रहा है, जो हमें बीमार कर रहा है वो पैथोजन है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज करता है वो पैथोजन है। तो भाई वो कौन सा सिस्टम है जो हमें इन पैथोजन से बचाता है या इन पैथोजन से लड़ता है, तो बहुत आसान सी बात है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है, 14 चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये फर्स्ट ईयर की बुक में, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बेसिकली हमें बीमारियों से बचाता है या बचाने की कोशिश करता है। बाकी सिस्टम क्या करते हैं भाई, ये हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है इसका बीमारियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मसल से बना होता है जो कि हमारा पूरा जो भी हम काम करते हैं, इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ ये भी मसल्स की मदद से है। तो मस्कुलर सिस्टम बेसिकली हमें हेल्प करता है तमाम मूवमेंट्स के अंदर और तमाम वर्कआउट के अंदर। दूसरा जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जो ग्लैंड से बना होता है, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड है या पैनक्रियाज है, इनसे रिलीज होते हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, और इन हार्मोन्स का काम होता है एक मैसेज को दूसरी जगह पर पहुंचाना। तीसरा सिस्टम जो जहाँ पर दिया हुआ है ये भी हमारा आंसर नहीं है, नर्वस सिस्टम, बिकॉज नर्वस सिस्टम का काम होता है बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, इसका काम कोई भी पैथोजन से रिलेटेड नहीं है, तो इम्यून सिस्टम जो है ये आंसर है।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको अगर पता है कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा काम सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। तो पहली बात तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ये अगर आप देखें, ये एक एनिमल सेल है, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि पूरे सेल को कवर करता है, ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर इस तरह से नज़र आता है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा है। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। अभी फ़िलहाल याद रख लें कि इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक इसके अंदर लिपिड होता है, लिपिड की दो लेयर हैं, एक लेयर ये वाली है और एक लेयर ये वाली है, और दूसरी इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखते हैं इसका काम क्या क्या होता है। सबसे पहला काम दिया हुआ है भाई, अच्छा इसमें से हमने वो ढूंढना है जो काम नहीं है। तो पहला काम दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। यस, प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि ये काम होता है, हमें वो ढूंढना है जो काम नहीं है। नंबर टू, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका आना जाना जो है वो कंट्रोल करती है। यस, ये भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि चीज़ें जो है वो इसके थ्रू अंदर और बाहर जाती हैं, लेकिन ये इस वक्त हमारा आंसर नहीं है। अगर हम डी देखें, सेलुलर कम्युनिकेशन, एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना, यस, क्योंकि एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो दूसरे सेल के अंदर जाते हैं, जाकर मैसेज देते हैं, तो यस सेलुलर कम्युनिकेशन जो है ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, लेकिन ये इस वक्त हमारा आंसर नहीं है। सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटीरियल जाना या सेल के अंदर और बाहर चीज़ें मूव करना, यस, ये भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, लेकिन इस वक्त ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो है इस वक्त वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये वो काम है जो सेल मेम्ब्रेन का नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन बताएगा कि ये किसका फंक्शन है? हमारे पास सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट्स अप इंटू, यहाँ पर टू आना चाहिए, इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट इज कॉल्ड। ये पूछने बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 से बायो एनर्जेटिक से क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि भाई वो कौन सा प्रोसेस है कि जो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है दो मॉलिक्यूल्स में, किस चीज़ के दो मॉलिक्यूल्स में, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड में। तो देखें, ये साइकिल तो नहीं है, ये एक चार्ट है, इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये एक प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर देखें क्या चीज़ एंटर होती है। तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर होता है, और यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है इसके अंदर, और जब ये प्रोसेस ख़त्म होता है तो आपको मिलता है पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन एक तरफ हो गए और 3 कार्बन दूसरी तरफ हो गए, तो आपको कितने मॉलिक्यूल मिले, आपको 2 मॉलिक्यूल मिले। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पाइरूवेट के अंदर या पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पर, तो पहला ही ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है। अच्छा, थोड़ी सी बात इसके बारे में मैं और बताऊँगा। देखें, 3 प्रोसेसेस हैं, जो भी आप ग्लूकोज खाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके अंदर चार मेन चीज़ें होती हैं। एक होती है उसके अंदर प्रोटीन, जैसे आपने गोश्त खाया है तो उसके अंदर आप उसमें से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, जब आप प्रोटीन्स तोड़ेंगे तो आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे, उस अमाइनो एसिड को जोड़कर आप दोबारा अपनी प्रोटीन बना लेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को जब आप तोड़ते चले जाते हैं तो आपको आखिर में जाकर मिलता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्लूकोज से हम बनाते हैं अपनी एनर्जी। क्या चीज़ है एनर्जी? जब भी इससे एनर्जी निकलती है तो हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम है एटीपी। तो आपको ग्लूकोज लाजमी चाहिए क्योंकि आपको प्रोड्यूस करने होते हैं एटीपी। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हर प्रोसेस के अंदर, तकरीबन हर प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है एटीपी। अब ये जो ग्लूकोज से एटीपी तक का सफ़र है ना, ये बेसिकली तीन मशीनों के थ्रू होता है। ये एक्चुअल मशीनें तो नहीं है, ये 3 प्रोसेसेस हैं, लेकिन मैं इन्हें मशीनें कहता हूँ। पहली मशीन जो है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये माउस के थ्रू मैं चला रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस ये पहली मशीन है। देखें, हर मशीन के अंदर कोई ना कोई चीज़ जाएगी और उससे कोई चीज़ बाहर आएगी। इसके अंदर जो चीज़ जाती है वो होता है ग्लूकोज, और इससे जो चीज़ बाहर आती है वो होता है
पायरोविक एसिड। तो ग्लूकोज जो है वो इससे ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर जाता है और टूट के वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर। तो ये पहली मशीन है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था। इसके बाद दूसरी मशीन होती है, पायरोविक एसिड एंटर होता है दूसरी मशीन में, उस मशीन को हम कहते हैं क्रैब साइकिल। ये मैं आगे भी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्रैब साइकिल ये दूसरी मशीन है। जब ये इसके अंदर जाता है तो अब इसमें से पायरोविक एसिड बाहर नहीं आता, अब इसमें से जो चीज़ बाहर आती है वो आती है NADH और एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं FADH। दो मशीनें हो गई, पहली मशीन ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी मशीन क्रैब साइकिल। अब ये जो NADH और FADH बने हैं ये दाखिल होते हैं तीसरी मशीन के अंदर, उस तीसरी मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ट्रांसपोर्ट बड़ा मुश्किल है इससे लिखना, चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जब इसके अंदर ये NADH और FADH जाते हैं तो अब इससे जो चीज़ बाहर आती है वो होता है आपका ATP, जिसे आप डिफरेंट काम में यूटिलाइज करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ अभी, या मैं जो माउस मूव कर रहा हूँ, या जो भी काम मैं करता हूँ, जब भी मैं कोई मसल इस्तेमाल करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ, तो मुझे हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी इस ATP से आती है। और कैसे, ये ग्लूकोज टूटता है, इन तीन मशीनों से गुजरता है। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेल के किस हिस्से के अंदर होता है, क्योंकि इसी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन इस पर भी है। तो सेल के अंदर जो सेल का लिक्विड पोर्शन होता है, जब मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस करने वाले एंजाइम होते हैं ये पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी जो दोनों प्रोसेस हैं, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये होते हैं एक तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा इसे, तो बस ये याद रखना है फिलहाल। तो वापस आ जाते हैं, वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है और दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोविक एसिड के, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्रैब साइकिल मैं बता चुका हूँ, ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है, इसमें ग्लूकोज दाखिल नहीं होता। केल्विन साइकिल जो है, केल्विन बेंसन साइकिल जो है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, इसमें ग्लूकोज का कोई काम नहीं है, इसमें ग्लूकोज जाता नहीं है बल्कि इससे ग्लूकोज आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने अभी बताया कि ये क्रैब साइकिल के बाद आती है, इसमें ग्लूकोज नहीं जाता, इसमें NADH और FADH टूट जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये भी समझ नहीं आएगा, ये डिटेल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अभी तो हम पेपर की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट। देखो पहला लफ्ज़ तो ये आ गया एंडोपैरासाइट। पहली बात तो एंडोपैरासाइट वो होता है जो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल। तो बहुत आसान सा सवाल है, उन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से वो कौन सा एंडोपैरासाइट है जो अपना नंबर इंक्रीज करता है, रेप्लिकेट का मतलब अपनी कॉपीज बनाता है ह्यूमन सेल के अंदर। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ वो वाला इनमें से वो ऑर्गेनिज्म ढूंढना है जो इतना छोटा हो कि वो सेल के अंदर दाखिल हो सके, बस हो गया आपका आंसर। अब देखें, सबसे पहले इसको हम रूल आउट करते हैं, हेलमिंथ। हेलमिंथ कहते हैं वर्म्स को, आपने नीमाटोडा का नाम सुना होगा, राउंड वर्म का नाम सुना होगा, एस्कैरिस, आपने प्लेटी हेलमिंथ्स का नाम सुना होगा जिसमें प्लेनेरिया आता है। ये इतने बड़े होते हैं कि ये खुद बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, तो ये हमारे सेल में दाखिल नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं है। दूसरा है हमारे पास फंगस। फंगस मैंने बताया था पहले भी कि फंगस मेनली सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, अब जब वो खुद मल्टी सेलुलर है तो वो हमारे एक छोटे से सेल में दाखिल नहीं हो सकता। लीच, जिसे उर्दू में जोंक कहते हैं, ये ब्लड सक करती है, ये इतनी बड़ी होती है, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, एक एनिमल है, तो ये हमारे सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो बचा एक ही ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे सेल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, तो ये सेल के अंदर चला जाता है और ये वहीं पर जाकर अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो ये वो एंडोपैरासाइट है जो रेप्लिकेट करते हैं हमारे सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले आप समझें रेस्पायरेशन किसे कहते हैं।
अभी जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस समझाया था ना कि जिसमें ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पाइरूविक एसिड में, फिर वो दाखिल होता है क्रैब्स साइकिल में और NADH और FADH2 में जाता है, और उसके बाद वो दाखिल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम स्टोर करते हैं ATP में। यही प्रोसेस है जिसे आप नाम देते हैं रेस्पायरेशन का। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो समझते हैं कि हवा का अंदर जाना और बाहर आना ये रेस्पायरेशन है, इसे रेस्पायरेशन नहीं कहते। हाँ आम तौर पर इसे कहा जाता है रेस्पायरेशन, लेकिन एक्चुअली इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग या इसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसे रेस्पायरेशन गलत कहा जाता है, ये बेसिकली ब्रीदिंग कहलाती है। रेस्पायरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रेस्पायरेशन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, खाने को तोड़ना जिससे एनर्जी बने, वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है रेस्पायरेशन। अच्छा रेस्पायरेशन और डाइजेशन में एक बड़ा डिफरेंस क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना टूटता है और रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना टूटता है। फ़र्क क्या है? डाइजेशन के अंदर खाना टूटता है बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में, तो जब तक खाना मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है वो रेस्पायरेशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डाइजेशन, क्योंकि बड़े पार्टिकल टूट रहे हैं छोटे पार्टिकल बन रहे हैं। जब इतना छोटा पार्टिकल बन गया कि अब वो मेरे ब्लड में गया, मेरे ब्लड में जाने के बाद मेरे सेल में गया, अब खाना वहाँ पर टूटेगा, जो ग्लूकोज मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस के जरिए क्रैब्स साइकिल के जरिए, जब वहाँ टूटेगा अब उससे जो एनर्जी मिलेगी वो उसे स्टोर किया जाएगा ATP में, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो हम उसे एरोबिक कहेंगे, या तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो हम उसे एनएरोबिक कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी जो रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, उसका जो मरकज़ होता है वो होता है ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने अभी भी बताया था आपको कि पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, लेकिन उसके बाद के जो दोनों प्रोसेसेस थे क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया को एक बहुत मशहूर नाम जो है, जो हर किसी ने बच्चे बच्चे ने सुना होता है, वो होता है पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि यही वो पॉइंट, यही वो पार्ट है, यही वो ऑर्गेनल है कि जो पावर जनरेट कर रहा है या एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेंटर है, ये भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर आपको यही सवाल एनएरोबिक रेस्पायरेशन में दिया जाए तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके लिए लाजिम है कि यहाँ पर लिखा हो एरोबिक रेस्पायरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? अच्छा पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल सीधी सीधी नज़र आ रही है ब्राउन वाली, और एक ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड हुई हुई होती है। इसके जो ये फोल्ड्स हैं, ये जो इनकम्प्लीट पार्टीशंस हैं, इन्हें हम क्रिस्टाए कहते हैं। अच्छा इसी क्रिस्टाए के अंदर जो है वो लगा होता है लगी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने बताया था, और फिर ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर आपके एंजाइम पड़े होते हैं कौन सी साइकिल के? क्रैब्स साइकिल के। ठीक है, अच्छा बाकी ऑर्गेनल्स क्यों नहीं है हमारा आंसर? तो न्यूक्लियस का काम रेस्पायरेशन नहीं है, न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल। न्यूक्लियस के अंदर DNA पड़ा होता है और DNA के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन होती है क्या बनना है, कितना बनना है, कब बनना है, तो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेस्पायरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं रफ और एक को हम कहते हैं स्मूथ। ये जो रफ होता है इसके ऊपर पड़े हुए होते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, जबकि जो स्मूथ है स्मूथ के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन इसका रेस्पायरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लास्टिड क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि प्लास्टिड पहली बात तो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल में नहीं होते, तो अगर इनका काम रेस्पायरेशन से होता तो ये हर किसी में होते, क्योंकि रेस्पायरेशन हर किसी में होती है। प्लास्टिड का मेन काम जो है वो सनलाइट के साथ होता है, एनर्जी को कैप्चर करने का होता है, सनलाइट को कैप्चर करने का होता है। लास्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल की शक्ल को सलामत रखना, उसको कोलैप्स होने से बचाना और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना सेल के अंदर। इसका रेस्पायरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल? देखो जब भी ये मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल का वर्ड आ गया ना, वर्ड क्या, ये सेंटेंस या फ्रेज आ गया, तो
एक ही चीज़ की तरफ आपने जाना है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जब भी जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए के अंदर छेड़छाड़ का लफ्ज़ आ गया, मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, तो जब भी आप मैनिपुलेशन करने लगे जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के अंदर, तो वो प्रोसेस कहलाता है या वो फील्ड जो है जिसमें ये काम किया जाता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का की डेफिनेशन जो है ये वहाँ पर एग्जैक्टली एज इट इज़ लिखी हुई है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज अराइजेस ड्यू टू एज। ठीक है, वो कौन सी बीमारी है जो एज की वजह से होती है, तो हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। पहली बीमारी जो यहां पर दी गई है वो है बेरीबेरी। ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, इसी पेपर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेरीबेरी है ये एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन की कमी की वजह से होती है, विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, तो इसका एज से ताल्लुक नहीं है, बच्चे में होगा तब भी होगी, बड़े में होगा तब भी होगी। दूसरी बीमारी है मलेरिया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। मलेरिया किससे होती है, मलेरिया का जो कॉज है वो है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो बच्चे के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाए तब भी बीमारी होगी, बड़े के अंदर चला जाए तब भी बीमारी होगी। तीसरी बीमारी है कॉलरा। कॉलरा मैंने बताया था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, और इसका जो कॉज है वो है एक अदद बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं विब्रियो कॉलरा। इस तरह की शक्ल होती है इसकी, एक कॉमन शेप होता है, विब्रियो कॉलरा। ठीक है, तो ये बच्चे में जाएगा तब भी होगा, बड़े में जाएगा तब भी होगा। चौथी बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, लिवर की सूजन को कहते हैं, ये बच्चे में भी होती है, बड़े में भी होती है, और इसका मेन कॉज जो है वो है हमारा वायरस। और भी कॉजेज़ हैं बट फिलहाल वायरस याद रख लें, हेपेटाइटिस ए बी और सी वायरस। अल्जाइमर अलबत्ता वो बीमारी है, हमारा आंसर है अल्जाइमर, वो बीमारी है जो एजड लोगों के अंदर होती है, बूढ़ों के अंदर होती है, और मैंने बताया था ये वो बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन के कुछ पार्ट्स डिजेनरेट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी को। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सेकंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है क्वेश्चन, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट, द कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर इंक्रीज बाय। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, बहुत आसान है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं ए कह रहा हूँ, ये हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसे मैं बी कह रहा हूँ। ठीक है, ये ए का डीएनए है और ये बी का डीएनए है, मैंने क्या किया इन दोनों का डीएनए मिला दिया, ये एक डीएनए बन गया, इसमें ए का डीएनए भी है और बी का डीएनए भी है, ये डीएनए कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि मैंने ये कंबाइन करके बनाया है। ठीक है, दो सोर्सेस से डीएनए को कंबाइन कर लें तो ऐसा डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वन बाय वन टॉपिक समझाऊंगा। अब ये जो प्रोसेस होता है इसके चार स्टेप्स होते हैं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास एक डीएनए है और ये आपके पास दूसरा डीएनए, आपने क्या किया इन दोनों डीएनए को मिला दिया, जब आपने दोनों डीएनए को मिला दिया तो आपके पास ये एक नया डीएनए बन गया, ये डीएनए, इसमें थोड़ा सा डीएनए यहाँ से आया है और थोड़ा सा डीएनए यहाँ से आया है, तो ये बेसिकली कहलाएगा क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट के सेल में, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सेल में डाल दिया, तो पहला स्टेप था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, बना लिया आपने, बनाने के बाद अब आपने इसे होस्ट के सेल में डाल दिया। ठीक है, ये दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप देखें, एम्प्लीफिकेशन। अब ये एम्प्लीफिकेशन के अंदर क्या होता है, जब जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, इसके अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये एक बैक्टीरिया से यहाँ पांच बैक्टीरिया बन गए, आपका जो डीएनए था वो भी कॉपी कर गया। ठीक है, ये एम्प्लीफिकेशन हो गई। यहाँ पर इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप कैसे इंक्रीज करवाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से स्टेप में इंक्रीज होता है भाई, जब आप उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं विद द होस्ट, जब आप होस्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर होस्ट कौन था, ये बैक्टीरिया होस्ट था, जब होस्ट ने मल्टीप्लाई किया तो अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसने भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी आंसर क्यों नहीं है भाई, तो सिलेक्शन वाला स्टेप अभी मैंने समझाया नहीं है, ये मैं समझाऊंगा जब मैं ये टॉपिक समझाऊंगा, ये ऑप्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए में कट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए के अंदर कट लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डीएनए पूरा सलामत था, यहाँ पर इसके अंदर एक कट नज़र आ रहा है, तो ये कट किसकी मदद से लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, इनका ताल्लुक नंबर बढ़ाने से नहीं होता, ये बेसिकली डीएनए में कट लगाते हैं।
लाइगेस एक और एंजाइम है, इसका काम भी डीएनए की कॉपीज बढ़ाने से नहीं होता, इसका काम होता है सील करना। अगर आप यहाँ देखें तो ये डीएनए में कट लग गया और ये यहाँ पर टारगेट जीन है, ये आकर यहाँ बैठ गई। अब बैठ तो गई है लेकिन इन दोनों को चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए जो एंजाइम होता है वो लाइगेट करने वाला एंजाइम लाइगेस कहलाता है। इसका कोई ताल्लुक जो है वो कॉपीज़ बढ़ाने से नहीं होता, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इन टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स दी हुई हैं, इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक का वर्ड मैं पहले भी दो बार डिस्कस कर चुका हूँ, हर वो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करता है, बीमारी डिजीज़ कॉज करता है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ताल्लुक जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। देखें, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो है जो अपनी फूड खुद नहीं बनाता। हम जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ये वो बैक्टीरिया होगा जो अपनी फूड खुद बनाएगा। ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो बनता है ग्लूकोज, और इसी प्रोसेस के नतीजे में रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। ये कौन सा प्रोसेस है? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसका मतलब हम जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी अपनी फूड खुद बनाएगा, और जो बैक्टीरिया अपनी फूड खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो हम ऑटोट्रॉफिक को ढूंढ ढूंढ रहे हैं, जबकि ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये फूड अपने खुद नहीं बना रहा, बल्कि ये ले रहा है किसी दूसरे एनिमल से या किसी दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म से, तो ये हीटरोट्रॉफिक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा, ये बैक्टीरिया पैरासाइटिक, अगेन पैरासाइट वो होता है जो डिपेंड करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो ये भी हीटरोट्रॉफिक होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये भी हीटरो था और ये भी हीटरो है। तीसरा, सेपरोट्रॉफिक। सेपरोट्रॉफिक एक ऐसा बैक्टीरिया, अच्छा ये भी हमारा आंसर नहीं है। सेपरोट्रॉफिक एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपनी फूड किसी और से ऑब्टेन करता है, लेकिन अब की बार वो लिविंग नहीं होता, वो डेड होता है। तो ये डिफरेंस है सेपरोट्रॉफिक का। सेपरोट्रॉफिक जो है ये डेड से लेता है, डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, जबकि पैरासाइट लेता है, पैरासाइट लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जिंदा से। तो ये तीनों जो हैं ये चूंकि हीटरोट्रॉफिक हैं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर सकते, तो आपका जो आंसर बचता है वो है साइनोबैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया से मिलते जुलते होते हैं साइनोबैक्टीरिया। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनमें बहुत सारी रिजेंबलेंस हैं। जब भी इन्हें एक ही किंगडम में रखा गया है, उस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटिक। ये मैं अगर दिखाऊँ तो ये साइनोबैक्टीरिया है। आपने नॉस्टॉक का नाम सुना होगा, तो ये नॉस्टॉक की एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है, ये नॉस्टॉक की हो या फिर किसी और साइनोबैक्टीरिया की एक कॉलोनी है। देखिए ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, और जब इनके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जब ये वाला प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कहाँ गया पॉइंटर, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके नतीजे में ये रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन। तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल रिकॉर्ड। बस फॉसिल का जहाँ पर वर्ड आ गया वहाँ पर आपने चले जाना है इसकी तरफ, पेलियोन्टोलॉजी। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर आया था कुछ और, वहाँ पर टेक्सोनॉमी आंसर था, यहाँ पर पेलियोन्टोलॉजी है। पेलियोन्टोलॉजी वो ब्रांच है जो डील करती है फॉसिल्स के साथ। अब इसके अंदर दो फर्दर ब्रांचेज आती हैं, एक पेलियोबॉटनी आती है जिसके अंदर आप उन प्लांट्स को स्टडी करेंगे जो आज जिंदा नहीं है, जिनका बचा कुछ हमें मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 के अंदर राइनिया का नाम सुना होगा। तो राइनिया एक ऐसा प्लांट है जो आज जिंदा नहीं है, लेकिन वो किसी पत्थर के अंदर या किसी ज़मीन के टुकड़े के अंदर हमें मिला था, तो उसकी स्टडी भी पेलियोन्टोलॉजी कहलाती है, लेकिन वो पहली बॉटनी के अंदर होती है क्योंकि बॉटनी प्लांट से रिलेटेड होता है। और जैसे डायनासोर्स हैं, ठीक है, या फिर आपने एक वो बर्ड सुना होगा जो जिसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे थे, आर्कियोटेरिक्स, तो इसकी जब आप स्टडी करेंगे तो ये भी पेलियोन्टोलॉजी के अंदर आएगी क्योंकि वो आज जिंदा नहीं है। या डायनासोर्स की जब आप स्टडी करते हैं तो वो आज जिंदा नहीं है, तो ये पेलियोन्टोलॉजी के अंदर आती है, फॉसिल कहलाते हैं ये। जेनेटिक्स में पहले भी बता चुका हूँ, ये स्टडी करेगी डीएनए के साथ, जीन्स के साथ, क्रोमोसोम्स के साथ, या वो कैरेक्टर जो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर। टैक्सोनॉमी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये स्टडी होती है क्लासिफिकेशन की,
जैसे कि आप लोगों को डिवाइड किया जाता है कि कुछ लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, कुछ सेकेंड ईयर के अंदर हैं, कुछ मैट्रिक में, कुछ नाइन में हैं, बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, कुछ प्री मेडिकल के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं, बिल्कुल इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना डिवाइड किया जाता है 5 कैटेगरी में, ये प्लांट हैं, ये एनिमल्स हैं, ये फंगस हैं। तो इसकी पूरी स्टडी जो है एक ब्रांच के अंदर होती है वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। ये जो एक वर्ड है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं, ये आपकी बुक के अंदर तो नहीं है बट इन्होंने दिया हुआ है, आर्कियोलॉजी के अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि इतने सालों से जो इंसान रह रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, ये कैसे पता लगता है, जो हमें मटेरियल मिलता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मोहनजोदड़ो से जो सामान मिला है तो उससे हमें पता लगता है कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से कौन कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल करते रहे हैं, तो वो आर्कियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और बायोकेमिस्ट्री भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है जिसके अंदर आप वो तमाम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे जो रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं लाइफ के साथ। जैसे मेरी बॉडी के अंदर जो जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो वो तमाम मॉलिक्यूल स्टडी किए जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इस वक्त हमारा जो आंसर है वो है पेलियोन्टोलॉजी, ये फॉसिल्स की स्टडी होती है। ओके, ये क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 11 से है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11, बायो एनर्जेटिक्स। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब कंबाइन किया जाता है तो ग्लूकोज बनता है, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा हो तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो स्टेप्स में होता है, एक स्टेप उसका या एक प्रोसेस उसका कहलाता है लाइट रिएक्शन और एक प्रोसेस कहलाता है डार्क रिएक्शन। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में वो कौन सी रिएक्शन में होती है, लाइट रिएक्शन में होती है, डार्क रिएक्शन में होती है। तो इस पर डिटेल तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये लाइट रिएक्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट के उस हिस्से में होता है जिसे हम कहते हैं थायलाकॉइड। ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये थायलाकॉइड है, और थायलाकॉइड के बाहर का जो एरिया होता है ये एरिया ये कहलाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है। देखें, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, आप लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आप, और आप लेते हैं वाटर। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाते हैं, आप उसके लिए आपको लाइट चाहिए होती है और आपको क्लोरोफिल चाहिए होता है, और आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है शुगर यानी ग्लूकोज, और रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये दो स्टेप्स में कैसे होता है, देखिए ये जो लाइट आपको चाहिए ना, ये लाइट आपको चाहिए क्यों, इससे आप निकालते हैं एनर्जी। तो पहले रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में क्या करता है सेल क्या करता है या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जितनी भी लाइट से एनर्जी मिलती है ना उसे स्टोर कर लेता है। अब स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई बैटरी चाहिए, तो वो बैटरी ये है, या तो एटीपी में स्टोर करता है या ये एक और तरह की बैटरी होती है जिसे हम कहते हैं NADPH। इन दोनों बैटरीज में आपने क्या किया, आपने नहीं सॉरी सेल ने क्या किया, आपके पास तो ये एबिलिटी नहीं है, प्लांट्स के सेल ने क्या किया, सनलाइट से जितनी भी एनर्जी मिली उसको इसमें स्टोर कर लिया और इसमें स्टोर कर लिया। ये वाला स्टेप कहलाता है लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसमें लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जब एक बार आपको एनर्जी मिल गई, अब आपको दूसरे प्रोसेस के लिए यानी डार्क रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो डार्क रिएक्शन में, इसको केल्विन साइकिल कहा गया है यहाँ पे, इसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं, या इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने लाइट को ऑलरेडी स्टोर कर लिया है इन मॉलिक्यूल में। तो अब इन मॉलिक्यूल से एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है, ये वाला स्टेप कहलाता है डार्क रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। तो देखें, लाइट रिएक्शन में वाटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है ये अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही है, डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, बस ये आपका आंसर था। उन्होंने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पॉइंट के ऊपर फोटोसिंथेटिक पाथवे को ज्वाइन करती है, तो उसका आंसर जो है हमारा वो है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो, पता नहीं मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर ग्लूकोज जाता है और
एक तो ये पॉइंटर नज़र नहीं आ रहा। ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर ग्लूकोज जाता है और उससे जो चीज़ बाहर आती है, इसमें ये जाएगा ग्लूकोज, और इससे जो चीज़ बाहर आएगी उसे हम कहते हैं पाइरूविक एसिड। ठीक है, पाइरूविक एसिड। और मैंने बताया था ये काम कहाँ होता है, ये काम होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पहली बात ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, यहाँ पर होती है एरोबिक रेस्पायरेशन। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वो दो काम होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने होते हैं। दो मशीन और थी ग्लाइकोलाइसिस के अलावा, एक का नाम था क्रैब साइकिल और एक का नाम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो लगी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक ग्लूकोज को तोड़ने से नहीं है, क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक किससे है, ग्लूकोज को बनाने से। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो फूड को स्टोर करना भी और वेस्ट को स्टोर करना भी, दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक फूड वैक्यूल और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम फूड स्टोर करना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम वेस्ट स्टोर करना होता है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है कि जिसका काम एक तो स्टोरेज होता है, सेल सैप, सेल का जो सोल्यूशन होता है उसे स्टोर करना, और दूसरा एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का, वो क्या है, वो है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, हाँ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी में होता यह है कि अगर ये सेल है और ये इसके अंदर वैक्यूल है, तो जब पानी वैक्यूल के अंदर आता है तो वैक्यूल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये पुश करने लगता है अंदर से सेल को, तो सेल हार्ड हो जाता है। तो सारे सेल हार्ड हो जाते हैं तो जो प्लांट का जो पार्ट है वो हार्ड हो जाता है। जब भी आप नोटिस करेंगे कि जब आप पत्ते को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसके सारे सेल टर्जिड नहीं रहते, फ्लैसिड हो जाते हैं, इस कंडीशन में आ जाता है, ये सेल हो जाता है फ्लैसिड, और जब आप पानी देते हैं तो वो पानी जब अंदर चला जाता है तो सेल टर्जिड हो जाता है। जब सेल टर्जिड हो जाता है तो लीफ जो है वो इरेक्ट हो जाता है। ये डायग्राम मौजूद है यहाँ पर, देखेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन जो है इसके तीन प्रोसेसेस हैं, एक ये ग्लाइकोलाइसिस है, अच्छा ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये जो बाहर का येलो एरिया नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ब्राउन कलर की लेयर बनी हुई है यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो देखें ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा, और ग्लूकोज दाखिल होता है और क्या चीज़ निकलती है, पाइरूविक एसिड। उसके बाद अगला काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये नज़र आ रहा है आपको, क्रैब साइकिल, ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, फ़र्क क्या है, जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेट्रिक्स में होती है, ये मेट्रिक्स वो फ्लूइड होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेट्रिक्स में, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इसमें होता है। खैर इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ एनिमल ऑफ किंगडम एनिमेलिया डज ह्यूमन बिलोंग टू। अच्छा अब देखें, अगर आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हो तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम हैं। स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ है जिन्हें, सॉरी प्रोटोजोआ कह रहा हूँ, स्टार्ट में पॉलीफेरा है जिन्हें स्पंजिस कहते हैं, उसके बाद सीलेंट्रेटा है जिन्हें निडेरियंस भी कहते हैं, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथस हैं, फिर निमेटोडा है, फिर एनिलिडा है, मॉलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, फिर कॉर्डेटा है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपसे कि इन तमाम फाइलम्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, इंसान को अगर आप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, ठीक है, तो इंसान कौन से फाइलम के अंदर आता है। देखिए अगर उन्होंने क्लास पूछी होती ना तो बड़ा आसान था, आप सबको पता है कि इंसान जो है वो उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो जिनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उन्हें रखा जाता है क्लास मेमेलिया में। लेकिन उन्होंने यहाँ आपसे जो है वो क्लास नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है फाइलम, ठीक है। तो पहली बात अगर हम देखें फाइलम मॉलस्का, तो फाइलम मॉलस्का के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, जिनके ऊपर शेल वगैरह होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं यानी उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। पहली बात तो अगर आप देखें तो इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनमें भी नहीं होता, ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये हटा दिया। अब बच गया एक, कॉर्डेटा, यही हमारा आंसर है, लेकिन मैं बताऊँगा क्यों।
तो मोलस्का के अंदर आपका आता है स्नेल, ठीक है। कहाँ स्नेल है और कहाँ हम है। स्नेल बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, तो मोलस्का के अंदर नहीं रखा जाता इंसानों को। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको बताया कि मेनली इंसेक्ट्स आते हैं, तो इंसेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। इन ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। इकाइनोडर्मेटा रहती ही सारे पानी के अंदर है, ठीक है। तो हम तो पानी में नहीं रहते, हम तो ज़मीन पे रहते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी इंसानों को नहीं रखा जाता। मॉलस्का की एग्जाम्पल स्नेल है, आर्थ्रोपोडा की एग्जाम्पल कॉकरोच है, इकाइनोडर्मेटा की एग्जाम्पल स्टार फिश है। बच गया कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा कौन सा फ़ायदा में, तो पहली बात कॉर्डेटा के अंदर आता कौन कौन है ये मैं बता दूँ। जितने भी बड़े एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है वो तमाम इसके अंदर आते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, एक दो कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं भी होता, लेकिन मेनली जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है वो तमाम इसके अंदर आते हैं। एक बड़ा ग्रुप हो गया आपका फिशेस का, सारी मछलियाँ इसके अंदर आती हैं। फिर आपके आ गए एम्फीबियंस जिसमें मेंढक आता है, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। रेप्टाइल्स सारे इसके अंदर आ जाएंगे, बर्ड्स सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और मैमल्स सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और मैंने अभी बताया कि इंसान बिलोंग करता है क्लास मेमेलिया से, तो चूँकि मैमल्स इसके अंदर आते हैं तो इंसान भी इसी के अंदर आएंगे। अच्छा, अब कॉर्डेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, कौन है ये कॉर्डेटा, कौन है, मतलब कैसे मैं देखूं कि कोई एनिमल जो है वो इस फाइलम के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, फाइलम हर फाइलम के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देखकर आप किसी एनिमल को उसके अंदर रखते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा के तीन बुनियादी कैरेक्टर्स हैं। ये एक डायग्राम है, इसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले ये बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कुछ ग्रेश टाइप का, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दिस इज़ नोन एज नोटोकॉर्ड। देखें, याद, ये जब हम बन रहे होते हैं ना, इंसानों की अगर मैं बात करूँ, इंसानों को कॉर्डेट में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास भी नोटोकॉर्ड होती है, अभी नहीं है, जा चुकी, उसके बदले कुछ और आ गया। लेकिन जब हम अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे थे तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो बनता है, लेकिन बाद में ये इसकी जगह एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाती है। वो स्ट्रक्चर अब भी मौजूद है आपके पास, अगर आप अपनी बैक पर हाथ लगाएंगे सेंटर में तो आपको कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा, ये कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड अब नहीं है, लेकिन कभी ना कभी थी। तो जिसके अंदर भी, जिस एनिमल के अंदर भी ये तीन कैरेक्टर या इनमें से कोई कैरेक्टर एडल्ट लाइफ में मौजूद हो या एडल्ट लाइफ में ना भी हो, लेकिन जब एम्ब्रियो था तब मौजूद था, तो वो एनिमल्स कहलाते हैं कॉर्डेट्स। तो एक कैरेक्टर हो गया नोटोकॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ये जो आपको येलो या पता नहीं कौन सा कलर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है नोटोकॉर्ड से ऊपर, डॉर्सल कहते हैं आसमान की तरफ। तो ये एनिमल अगर इस तरह है तो ये हिस्सा इसका ज़मीन की तरफ होगा, ये हिस्सा आसमान की तरफ होगा। तो डॉर्सली आपको नज़र आ रहा है एक हॉलो स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। अब हमारे अंदर भी ये नर्व कॉर्ड थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका अगला हिस्सा बन गया ब्रेन, जो कुछ लोगों में अब भी नहीं होता, ठीक है, और इसका जो पिछला हिस्सा है वो बन गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हम जब एम्ब्रियो थे तो हमारे पास नर्व कॉर्ड थी, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। हमारा जो गर्दन का एरिया होता है उसमें ना कुछ गैप्स होते हैं, स्लिट कहते हैं कटाव को, तो गैप्स होते हैं जब हम एम्ब्रियो थे। ये गैप्स जो हैं ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हमने आगे जाकर लंग्स से रेस्पिरेशन करनी थी, तो ये गैप्स सारे हमारे अंदर क्या हो गए, हमारे अंदर बंद हो गए। अगर मछली होती ना तो मछली के अंदर ये गैप्स बंद नहीं होते, बल्कि इन्हीं से क्या बन जाते, गिल्स। लेकिन इंसान चूँकि ज़मीन पर रहते हैं तो उनके ये गिल स्लिट्स बंद हो गए और हमारे अंदर क्या डेवलप हो गए, लंग्स। तो हमारे अंदर अब नोटोकॉर्ड भी नहीं है, नर्व कॉर्ड भी नहीं है, और गिल स्लिट्स भी नहीं है। एडल्ट में नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें नहीं होती, लेकिन जब वो बन रहा होता है तो उसमें होती हैं। तो लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर आपके अंदर ये कैरेक्टर्स मौजूद थे तो आपको कहा जाता है कॉर्डेट्स। दैट इज़ वाई इंसानों को भी रखा जाता है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आरएनए क्या है। देखिए, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आपको मिलेगा एक टॉपिक जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये मैंने अभी थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था जब मैं डीएनए के बारे में बता रहा था पिछली वीडियोस में। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस मिला जिसकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक थी, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर मेनली दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी राइटिंग कैसी है। एक चीज़ है इसके अंदर डीएनए
और दूसरी चीज़ है इसके अंदर आरएनए। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें, ये दोनों चीज़ें बनती हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर से, जिसे मैंने पहले भी समझाया था, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं, ये ऑक्सीजन है, एक इसके अंदर होता है ये पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ये हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है। फिर इसके पांचवें कार्बन पे लगा होता है एक अदद PO4 फॉस्फेट, और इसके पहले कार्बन पे लगा होता है नाइट्रोजनस बेस। दिस इज़ नोन एज वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छा अगर इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूँ, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और इसी तरह से नीचे भी, तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी मेरे पास। ये आरएनए है। अगर सिर्फ सिंगल धागा है आपके पास इस तरह का, तो ये कहलाता है आरएनए। तो आरएनए का एक पॉइंट ये है कि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इस तरह का एक धागा होता है। और अगर मैं इस तरह के दो धागे लूँ और उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दूँ, अब ये कहलाएगा डीएनए। तो एक तो पहला फ़र्क जो आपको समझ आना चाहिए वो ये है कि आरएनए जो है कहाँ गया, डीएनए जो है वो बनाता है डबल हीलिक्स। डबल हीलिक्स का मतलब ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, दो धागे होते हैं। आरएनए डज नॉट फॉर्म अ डबल हीलिक्स, आरएनए इस तरह का सिंगल होता है। तो ये पहला फ़र्क है जो डीएनए और आरएनए के दरमियान होता है। इसके अलावा और भी फ़र्क है, और क्या फ़र्क है देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से बनता है। ठीक है, एक ये चीज़ है जिसे हमने कहा पेंटोस शुगर, पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, इसकी ना दो टाइप्स होते हैं, एक होती है डीएनए के अंदर और दूसरी होती है आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर जो होती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए के अंदर जो होती है उसे हम कहते हैं राइबोस। फ़र्क क्या होता है, राइबोस के अंदर पांच कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं और पांच ऑक्सीजन होता है। डीऑक्सीराइबोस के अंदर पांच कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक कम होता है, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, तो ये एक और पहचान है आरएनए और डीएनए की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एक धागा दे दूँ, दो दो ही नहीं, ठीक है, आपको मैंने एक एक धागा दे दिया, मैंने पूछा आपसे कि आरएनए कौन सा है डीएनए कौन सा है, अब तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो पढ़ा था कि आरएनए एक धागा होता है और डीएनए दो धागे होते हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं। आप देखेंगे कि ये वाला जो पेंटोस शुगर है, पाँच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन सा है, क्या वो राइबोज है, अगर वो राइबोज हुआ तो वो आरएनए होगा, अगर वो डीऑक्सीराइबोज हुआ तो वो डीएनए होगा। कैसे पता लगेगा, आप फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तीसरा फ़र्क क्या है, मैंने बताया कि पांचवें कार्बन पे लगा होता है फॉस्फेट। अच्छा, ये दोनों में सेम होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। पहले कार्बन पे क्या लगा था, नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस पांच तरह के, इनमें से तीन जो है ना वो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। वो तीन कौन से हैं, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। आपको डीएनए में भी मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे एडिनिन लगा हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे गुआनिन लगा हो, डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। चौथा जो है वो डीएनए के अंदर जो होता है, डीएनए के अंदर जो होता है चौथा, वो होता है थायमिन, और आरएनए के अंदर जो चौथा नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है यूरैसिल। ठीक है, ये फ़र्क है। तो ये तीन फ़र्क आपको नज़र आ गया यहाँ पे। डीएनए जो है वो डबल धागा होता है, इसे हम डबल स्ट्रैंडेड भी कहते हैं, डीएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड भी कहते हैं और आरएनए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के पास जो शुगर होती है, शुगर का मतलब वो पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, वो होता है डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है डीऑक्सीराइबोस, C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम होता है इसमें, O4। ठीक है, आरएनए के पास राइबोस होती है C5H10O5। अच्छा, डीएनए के पास एडिनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है, चौथी बेस कौन सी है इसके पास, थायमिन। आरएनए के पास एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, लेकिन उसके पास चौथी बेस कौन सी है, यूरैसिल, इसके पास थायमिन नहीं होता। इसके अलावा भी डिफरेंस है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और एक और फंक्शन का डिफरेंस है कि डीएनए का जो मेन फंक्शन है वो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करना। डीएनए के पास हमारे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए के पास हमारी इन्फॉर्मेशन होती है,
मैंने कैसा बनना है, क्या बनना है, कितना बनना है, हर सेल में क्या होना है, क्या चीज़ बननी है, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होती है। आरएनए की, आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन बनने में, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए, वो क्या चीज़ है जो आरएनए में नहीं पाई जाती। नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, यस, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें वो चीज़ ढूंढनी है जो नहीं पाई जाती। शुगर कौन सी होती है, राइबोज होती है, यस, राइबोज शुगर होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, मैंने बताया था फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, दोनों में होता है। एडिनिन दोनों में होता है, डीएनए में और आरएनए में होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, डी ऑक्सीराइबोज, ये वो चीज़ है जो आरएनए में नहीं मिलती। ये किस में मिलती है आपको, ये मिलती है आपको डीएनए में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, इस तरफ डीएनए है, देखें डीएनए जो है ये दो धागे हैं और इस तरफ ये आरएनए, ये सिंगल धागा, पहला फ़र्क हो गया। यहाँ पर जो शुगर है, पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन सा है, वो डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइबोज है, ठीक है। बेस पेयर्स की अगर हम बात करें तो साइटोसिन, गुआनिन और एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये दोनों में मिलेंगे आपको। चौथी बेस अगर डीएनए है तो कौन सी होगी, थायमीन, और अगर आरएनए है तो कौन सी होगी, यूरासिल। तो ये कुछ पांच डिफरेंसेस हैं जो कि आपने डीएनए और आरएनए के दरमियान याद रखने हैं, इसमें सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर मैं आपको धागे दूँ, मैंने ये आपको सिंगल सिंगल धागा दे दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें से डीएनए कौन सा है और आरएनए कौन सा है। अगर तो इनमें से कोई डबल होता तो आप कहते कि भाई डबल वाला डीएनए और सिंगल वाला आरएनए, तो कैसे पता लगाएंगे भाई, तो आप देखेंगे शुगर, ठीक है, शुगर का मतलब पांच कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, अगर वो डीऑक्सीराइबोज है तो वो डीएनए होगा और अगर वो राइबोज है तो वो आरएनए होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस, अगर थायमीन है तो वो डीएनए होगा और अगर यूरासिल है तो वो आरएनए होगा, तो दैट इज़ हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए।